आखिरकार साल भर के इंतजार के बाद वो समय आ ही गया जब 51 से अधिक कन्याओं का विवाह एक ही मंडप में होगा। जी हाँ, श्री श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से हर बार की तरह इस वर्ष भी निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है, लेकिन इस बार इन 51 से अधिक कन्याओं की शादी में बहुत कुछ खास होगा। पहली बार समिति की ओर से दूल्हों की घुड़चढ़ी एक दिन पहले करवा दी जाएगी। यही नहीं, इनके साथ राजस्थानी ग्रुप बैंड और ढोल नगाड़े भी होंगे। बारात के रात्रि विश्राम की पूरी व्यवस्था भी समिति की ओर से की जाएगी। लोकल 18 से बातचीत में श्री श्री बालाजी सेवा समिति उत्तराखंड के मुख्य संरक्षक श्रवण वर्मा कहते हैं कि इस बार इस सामूहिक विवाह के आयोजन में दूल्हों की खिदमत का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बार दूल्हों के नाइट स्टे का प्रबंध समिति की ओर से कराया जा रहा है ताकि आयोजन परंपरागत तरीके से हो सके। 51 दूल्हों की यह शानदार बारात कालिका मंदिर दर्शन लाल चौक झंडा बाजार होते हुए शिवाजी धर्मशाला पहुंचेगी। इस शादी समारोह का आयोजन सहारनपुर चौक के समीप हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में होगा। इस आयोजन की शोभा बढ़ाने देश के नामी कलाकार भी पहुंचेंगे। श्री श्याम संकीर्तन कार्यक्रम में कोलकाता के राज पारिक और दिल्ली के मयूर रस्तोगी शामिल होंगे। हमने अपने कार्यक्रमों में थोड़ा सा हमने चेंजेस करे हैं, वो ये हैं कि इस बार हम लोग जो बारात निकाल रहे हैं वो शादी से एक दिन पहले निकाल रहे हैं। 23 तारीख को कालिका मंदिर से बारात चलते हुए और शिवाजी धर्मशाला पे विराम लेगी। उसके नेक्स्ट डे बाकी वो सभी दूल्हे ढोल नगाड़ों के साथ अपना हिंदू नेशनल स्कूल में गाजे बाजे के साथ पहुँच कर वहाँ उनका विवाह सम्पन्न होगा। उसके पश्चात खाटू बाबा का शाम भजन संध्या 25 तारीख को हम लोगों ने करी है। और इसी कड़ी में हम लोग जो कन्याएं जो ज़्यादा हो रही हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है रिसेंटली, उनकी 11 कन्याओं की शादी हम लोग अप्रैल माह में अतुल्यम रिजॉर्ट में भाववाला में जो है वहाँ पे हम लोग करेंगे। महेंद्र देश हॉस्पिटल के पास देहरा खास पड़ता है काली मंदिर। वहाँ आप किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि श्री श्री बालाजी सेवा समिति का ऑफिस कहाँ है, तो कोई भी व्यक्ति उनको आप हमारे उस ऑफिस तक लेके आएगा और जहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा और एक हमारी वॉलंटियर टीम जाके ये निश्चित करेगी कि वो वाकई में ही निर्धन परिवार है या नहीं है। क्योंकि हम लोग जो अपनी जो शादियाँ कराते हैं, हम हर कन्याधन देते हैं हर कन्या को, तो वो कन्या धन के लालच में कई लोग ऐसे हैं जो केवल उस धन वो उस कन्या धन को लेने के लिए हम लोग के पास आते हैं, जबकि वो सक्षम है। और हम नहीं चाहते कि कोई सक्षम व्यक्ति हो वो किसी का अधिकार ले। जो निर्धन परिवार है उसको ही वो सब सामान मिलना चाहिए, क्योंकि वो सारा सामान आप और हम सब मिलके ही सब एकत्र करते हैं। कोई नंबर दो का कुछ भी नहीं है, हर किसी की मेहनत कमाई से वो लोग हम लोग सारा सामान वो जोड़ते हैं। समिति का उद्देश्य एक ही है कि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और बेटी का घर भी बसाना है। जब हमारी बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी तो हमारा एक ही संकल्प है कि उसका घर भी बसाना है। इसी संकल्प के साथ श्री श्री बालाजी सेवा समिति परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है। विगत 13 वर्षों में हम लोगों ने 255 कन्या का विवाह संपन्न करा चुके हैं और इस वर्ष 24 दिसंबर को हम लोग 51 प्लस कन्याओं का विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं। और बहुत ही भव्यता के साथ, बहुत विशाल रूप से, बहुत ही सुंदर तरीके से जो बालाजी सेवा समिति परिवार है उनके माता पिता बनकर एक बहुत ही सुंदर कार्य है। आप लोग हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज आइए देहरादून में और देखिए कि बेटियाँ हमारी बेटियाँ हैं। इन्हीं बेटियों के सहारे हम लोग आगे चल रहे हैं और इन बेटियों का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है। हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे इन बेटियों का और हमारे जो सहयोगी हैं उन सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे।